हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जैकोबी सिंबल। जैकोबी सिंबल से पहले आपको लीजेंडर फंक्शन आना चाहिए। लीजेंडर जो फंक्शन है वही जैकोबी सिंबल बन जाएगा। जैकोबी सिंबल के अंदर कोई नेचुरल नंबर होता है और लीजेंडर के अंदर कोई प्राइम नंबर होता है, बस इतना फ़र्क है। आइए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, एग्जाम्पल बताऊँगा, छोटी छोटी एक दो थ्योरम है, बस इतना सा ये छोटा सा टॉपिक है। आइए, जैकोबी सिंबल मान लीजिए इफ पी की वैल्यू एक तो एक से बड़ी हो, और पी यहां प्राइम नंबर नहीं है, अगर प्राइम लिख दूंगा तो लीजेंडर बन जाएगा। बी ए ऑड इंटीजर, एंड इसके फैक्टर करिए, पी वन पी टू पी थ्री डॉट डॉट पी एन आर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ पी, इस पी के प्राइम फैक्टर हुए। और एंड ए बी एनी इंटीजर ले लिया, कोई एनी इंटीजर, तब इस ए और पी का जीसीडी वन हो, तब then the Legendre symbol, Legendre symbol a upon p, यही मैंने वह फंक्शन बोल दिया था, Legendre symbol है। तो जो a upon p है, कहने का मतलब Legendre symbol की जनरल फॉर्म ही जैकोबी सिंबल होती है। देखिए ये लीजेंडर में भी लिखा था मैंने, लीजेंडर में यहां पी है, प्राइम है, लेकिन जैकोबी के लिए ये एक और इंटीजर है, इसके जो फैक्टर होंगे वो प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक, इज कॉल्ड जैकोबी सिंबल। एंड डिफाइन एज आइए इसकी हम वैल्यू बताते हैं, वैल्यू क्या है इसकी, वैल्यू जबकि ये प्राइम नहीं है, इसकी वैल्यू वन हो सकती है, बशर्ते यहां पी की जगह पर वैल्यू वन हो। अगर यहां पी की जगह पर वैल्यू वन हो और ए क्या है, एनी इंटीजर है, तो इसका मतलब इसका मान 100% वन होगा। इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, बशर्ते ए और पी इनका जो जीसीडी है वो वन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक और इसको हम कर सकते हैं, इस पी के प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, कैसे, ए अपॉन पी वन, ए अपॉन पी टू, ए अपॉन पी एन, ऐसे हम इसके प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हैं। आइए अब मैं इनके एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, देखिए इसका पहले का एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये कह दिया आपसे -7/1 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां p की जगह पे 1, यहां अगर 1 हो तो इसका मान 1 है, तो मैं लिख सकता हूं हेयर, यहां p की वैल्यू कितनी है 1, इसीलिए -7/1 की वैल्यू क्या हो गई 1। अब 0 के लिए लेते हैं दूसरा एग्जांपल, मैंने ले लिया 24/60, हमने क्या देखा, यहां पर 24 और 60 का जो जीसीडी है वो 1 नहीं है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड, तो 1 है ही नहीं इसका। जब इसका जीसीडी 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब 24/60 की जो वैल्यू है जैकोबियन के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, 0। ध्यान रखना, अब मैं प्रॉपर्टी भी बताऊंगा कुछ। अब इसके लिए लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए मैंने ले लिया 5/567, हमने देखा, और यहां पर एक और शर्त है, ए और पी का जो जीसीडी होगा वो कितना होगा, 1 होगा, तब इसे हम तोड़ सकते हैं। देख लीजिए जीसीडी 1 है, तभी पी वन पी टू में इसे तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टर में। तो हमने यहां क्या देखा, हेयर 5/567 का जीसीडी 1 है, तो इसके फैक्टर तोड़ लीजिए, प्राइम फैक्टर, तो 5/67 के प्राइम फैक्टर 3, 3, 3, 3, 7, इसका मतलब 3^4 × 7, तो इसे मैं तोड़ सकता हूं 5/3 × 4 × 5/7।
अब आप ये बात कहना सर ये 5 की पावर भी 4 हो गई, ऐसा लीजेंडर सिंबल में डिफाइन किया है मैंने, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग मेथड से वैल्यू निकालेंगे, कांग्रेंस वाली कंडीशन से या लीजेंडर सिंबल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, मैंने सब कुछ डिफाइन किया है। आइए सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, 5/3 की पावर 4। अब 3 की इसमें डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, 3 1 3 तो 2 बचेगा, अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 2/3 की पावर 4। मैंने एक फॉर्मूला, एक और इसका वैल्यू निकल सकती है, चलो मैं कांग्रेंस से बता रहा हूं। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2/3 की पावर 4 है, हमने बताया था 2/p की वैल्यू -1 होगी इफ, यदि इस p की फॉर्म कैसी हो, 2k+1 हो, k बराबर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा और यहां 3 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई -1 की पावर 4। इसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चों यहां 3, 5, 7, 9, 11 हो तो उसकी वैल्यू -1 बन जाएगी, और दूसरी भाषा में 3 की इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि 1 इसमें प्लस करूं तभी तो डिवाइड होगी, तो 1 कम है तो -1 आएगा, और -1 की पावर 4 इसका मतलब 1 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब मुझे चाहिए 5/7। अब इधर देखो 5/7, ये लीजेंडर से बता रहा हूं, लीजेंडर सिंबल में मैंने ये प्रूफ कराया है, ये ए है और ये पी है, तो यहां 5 की पावर 7 -1/2 mod 7 मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं यहां पर, a/p = a की पावर p -1/2 mod p। इससे मैंने ये दिखाया है, a की जगह पे 5 और p की जगह पर 7, ये भी फॉर्मूला बताया, जो पसंद आया वो कर लो। आइए तो अब इसे सॉल्व करो, 5/7 यहां कितना बचा, 5 की पावर q mod 7, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, into 25 mod 7। अब 7 की इसमें भाग दे लो पे केवल 25 में, 5, 7, 6, 28 तो 7 3 21 तीन बार जाएगा, 7 3 जा 21 तो कितना बचा रिमाइंडर, 4 पता है रिमाइंडर लिखते हैं, तो यहां बचा 5 into रिमाइंडर बचा 4, 7 3 जा 21 mod 7, ये हो गया 20 mod 7। अब 7 की इसमें डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 एक कम है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया -1 mod 7 अर्थात -1। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, 5/3 की वैल्यू 4 into 5/7, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1, इसकी वैल्यू हो गई -1, टोटल -1 वैल्यू हो गई। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसकी वजह से डिफाइन किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब एक थ्योरम लेते हैं, छोटी सी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चलिए इफ ए और पी का जीसीडी 1 तब then prove that AB/P, ये प्रूफ करना है मुझे A/P और B/P। अब यहां P कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, क्या है, P इज ग्रेटर देन 1, कोई ऑड इंटीजर है, तो क्यों ना P के प्राइम फैक्टर कर लिए जाए। चलिए तो LHS ले रहे हैं, AB/P, इसे मैं लिख सकता हूं AB/P1, P2, P3... इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं A/P1, A/P2, A/Pn और B के लिए लिखो B/P1, B/P2, B/Pn ऐसे लिख सकता हूं अलग अलग। अब ये P1, P2 प्राइम फैक्टर है तो ये हो गया A/P और P1, P2 प्राइम फैक्टर है ये हो गया B/P और ये बन गया आपका RHS। तो इस थ्योरम की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी छोटी छोटी 2-3 थ्योरम और देखते हैं जिससे जैकोबी सिंबल आसान हो जाए, आपको मालूम हो कि जैकोबी सिंबल के अंदर क्या क्या होता है। चलिए इफ
m और n की वैल्यू 1 हो, एम एन, इसका मतलब m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1, 1.11 हो जाएगा। देन प्रूव दैट a अपॉन एम एन इक्वल a अपॉन m इंटू a अपॉन n, वेयर एज एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और a क्या है, कोई इंटीजर है। क्लियर? अब एक बात बताइए, जब नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में तो 1, 2, 3 आते हैं, नेगेटिव तो आता नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू -1 रखूँ और n की वैल्यू -1 रखूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो 1 हो जाएगा। लेकिन 1 ही रख सकते हैं, -1 नहीं रख सकते, क्योंकि -1 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। चलिए आइए इसे लेते हैं, पहले m अपॉन एम एन, ए अपॉन एम एन को इनको अलग अलग कैसे बनाऊँ। ये ए अपॉन एम भी हो जाएगा कब, जब मैंने कहा n की वैल्यू 1 हो। यही m और n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, a अपॉन n, जब यहाँ m का मान 1 रख दूँ, 1 ही रख सकता हूँ, नेचुरल नंबर है। अब एक और बात बताइए, a अपॉन m का मान भी 1 हो जाएगा जब m इक्वल 1 हो, और a अपॉन n की वैल्यू भी 1 होगी जब n इक्वल क्या हो, 1 हो। क्लियर? ये प्रॉपर्टी में बताया था कि नहीं अभी, और एग्जांपल भी दिया था। नाउ अब ले लीजिए इसे, ए अपॉन एम एन, ए अपॉन एम इंटू ए अपॉन एन। अब देखिए इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू मैंने 1 रखी है, ये तो दिखाया ही नहीं, एंड ए अपॉन एम एन का मान भी 1 होगा कब, जब एम एन की वैल्यू 1 हो। ये रही, तो यहां हो गया 1, यहां 1 ये रहा, यहां 1 ये रहा, 1.1 इक्वल 1, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। हम दावे के साथ लिख सकते हैं a अपॉन एम एन इक्वल टू a अपॉन m इंटू, जहां पर m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और a क्या है, कोई इंटीजर। अब यहां GCD लिखा नहीं है, GCD 1 है तो ये है, अगर इनका GCD 1 नहीं होता तो 100% 0 होता, वो भी देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थ्योरम कह दो या एग्जाम्पल कह दो, इफ ए और एम एन इसका GCD 1 नहीं है, तब प्रूफ करके दिखाओ, देन प्रूव दैट ए अपॉन एम एन इक्वल ए अपॉन एम ए अपॉन एन, वेयर एज एम एन belongs to natural number और a belongs to integer। अब natural number है तो mn की value 1 मान सकता हूं मैं, ये तो clear है। चलिए जब इसने ये बोला है कि a और mn का GCD 1 नहीं है, तब मैं ये भी लिख सकता हूं कि a और m का GCD भी 1 नहीं होगा जहां पर n क्या है, 1 है, तो ये बचा। और मैं ये भी लिख सकता हूं इसी में, then a और n का भी GCD 1 नहीं होगा जब m इक्वल टू 1। दोनों बात क्लियर? आइए अब हम इसको लेके चलते हैं, और ये भी है हमारा सेम, तो मैंने ले लिया a अपॉन एम एन, इसकी वैल्यू 100% 0 होगी जब a और m n का GCD 1 नहीं है। एग्जाम्पल देके बताया था मैंने तुम्हें, ऐसे ही मैं कह रहा हूं a अपॉन m इसकी वैल्यू भी 0 होगी यदि a और m का GCD डज नॉट इक्वल टू 1 हो, a अपॉन n की वैल्यू भी 0 होगी यदि a और n का GCD डज नॉट इक्वल टू 1 हो। ये क्लियर हो गया, एग्जाम्पल में बताया था प्रॉपर्टी में। अब हम इसे सेटिस्फाई करेंगे, a अपॉन एम एन, ए अपॉन एम और a अपॉन n, इसकी वैल्यू मैंने बताई 0, 0.0, देखो 0 है, 0 बराबर 0, इसका मतलब सेटिस्फाई करें, जैसे यहां 1 बराबर 1 या 0 बराबर 0, इट फॉलो दैट a अपॉन एम एन इक्वल होगा a अपॉन एम a अपॉन एन का, जब a और एम एन का GCD डज नॉट इक्वल टू 1 हो। तो इन दोनों थ्योरम की आप फोटोकॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट।